अभी हम मौजूद हैं कोडरमा जिले के प्रखंड कोडरमा के पंचायत इंदरवा के बिरहोर टोला चितरपुर में। यहाँ पे करीब 25 परिवार निवास करते हैं। इनमें से करीब 22 लोगों का आधार कार्ड नहीं बना है, जिस कारण यहाँ के लोगों को सरकारी लाभ लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई छोटे बच्चे हैं जिन्हें नामांकन में काफ़ी दिक्कत हो रही है। वहाँ के प्रधानाध्यापक या आंगनबाड़ी सेविका का कहना है कि आधार कार्ड नहीं रहने के कारण विभाग से कई बार बोला गया, परंतु अभी तक आधार कार्ड नहीं बन पाया है। आपके कितने बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है? दो बच्चों का नहीं बना हुआ है। क्या क्या नाम है? राहुल बिरोर, राहुल कुमार बोलू, और सोनाल बिरोर। राहुल का कितना उम्र है? राहुल का 8 साल और मेरी बच्ची का है 2 साल। आधार कार्ड नहीं बना है तो क्या दिक्कत हो रहा है? आधार कार्ड नहीं बना हुआ है अभी उन दोनों को, तो दिक्कत कुछ हो रहा है? कोई भी मांग रहा आधार कार्ड तो अभी नहीं है आधार कार्ड में। तो स्कूल में नाम लिखा गया? हाँ लिखा गया। और सोनल जो है वो कहाँ पढ़ती है? अभी आंगनबाड़ी में। अभी तक कोई आधार कार्ड बनाने के लिए नहीं आया? नहीं नहीं आया है कोई। आप कहीं गए थे? नहीं। और बच्चे नामांकित हैं? 7 बच्चे हैं जो 3 से 6 वर्ष के हैं, जो नामांकन है आंगनबाड़ी में जो पढ़ने के लाते हैं। 0 से 3 वर्ष के 10 बच्चे हैं। तो उन सभी का आधार कार्ड है? नहीं, कुछ का है, 1-2 जन का है, नहीं तो अधिकतर का ही नहीं है। आधार कार्ड नहीं रहने से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? आधार कार्ड ना होने से हम लोग को पोषण ट्रेकर में है, जो हम लोग पोषण ट्रेकर में काम करते हैं आंगनबाड़ी का, उसमें बच्चा लोग का आधार नंबर चढ़ाना जरूरी है। अगर आधार नंबर चढ़ा तो हम लोग THR करते तो उसको भरने के लिए जब तक आधार वेरीफाई नहीं होगा तब तक हम लोग उसको दिखा नहीं सकते ऑनलाइन में। ऑफलाइन में हम दिखा सकते हैं पर ऑनलाइन में नहीं दिखा सकते। विभाग के द्वारा क्या बोला जा रहा है? विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, सबका आप लोग आधार कार्ड बनाइए, जाके बनवाइए। आधार इंदरवा पंचायत के मुखिया जी जो हैं श्रीमती उमा देवी के साथ हम लोग आए हैं चितरपुर आंगनबाड़ी केंद्र में। यहाँ तो पता चला बहुत बच्चा का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना, तो ग्रामीण के साथ बैठक किए हैं। बैठे ग्रामीण बोले कि आप लोग एक आवेदन दिए ग्रामीण प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसमें हम और मुखिया जी दस्तखत करके प्रखंड विकास पदाधिकारी को देंगे ताकि इन लोग को समय पर आधार कार्ड बने और सरकारी लाभ का इन लोग को मिले ताकि उनका आर्थिक समस्या और सुदृढ़ हो। के करीब 22 लोगों का आधार कार्ड नहीं बनने को लेकर हमारे द्वारा इस समुदाय के साथ एक बैठक की गई। बैठक में जिला परिषद सदस्य महेंद्र प्रसाद यादव व पंचायत की मुखिया उमा देवी भी शरीक हुई। उनके द्वारा बताया गया कि बहुत जल्द जिला में प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात कर इन बच्चों का या जिन परिवारों का सदस्यों का आधार कार्ड नहीं बना है उनका आधार कार्ड बनाया जाएगा। हमारे द्वारा समुदाय के साथ बैठक में एक आवेदन बनाया गया और वह आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को जिला परिषद सदस्य व मुखिया के द्वारा दिया गया है। मैं काशिफ अख्तर, कोडरमा, झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।